क्या होता है निपाह वायरस, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचने का तरीका क्या है। जी हाँ, कोरोना काल में किसी नए वायरस का नाम सुनने से ही शरीर में सिहरन आ जाती है। इस वायरस ने सदी की सबसे बड़ी तबाही मचाई है। इससे पहले भी कई वायरस के चपेट में लोग आए हुए हैं, इससे सामना हुआ है लोगों का। इस लिस्ट में स्पेनिश फ्लू, निपाह वायरस, जीका वायरस और माल्टा बुखार, ये सभी शामिल है। इनमें सबसे अधिक तबाही जिसने मचाई वो है स्पेनिश फ्लू ने। जी हाँ, इसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी जब इस वायरस से सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे। वहीं 2018 में निपाह वायरस ने केरल में दस्तक दी थी। उस समय निपाह के संक्रमण से 17 लोगों की मौत हो गई थी। इसे डेडली वायरस भी कहा जाता है क्योंकि इस वायरस से संक्रमित लोग 75% जो हैं वो मौत के घात उतर जाते हैं। विशेषज्ञों की माने तो निपाह वायरस के लिए भी फिलहाल कोई दवा या फिर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए बचाव ही सुरक्षा कवच है। अगर आपको निपाह वायरस के बारे में कुछ नहीं पता है तो जानना बेहद जरूरी है और इसके लिए ये वीडियो खास है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम इससे बचने का तरीका भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि निपाह वायरस है क्या चीज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन फुल आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। आप सभी देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो कंजूसी क्यों करनी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और कमेंट में जरूर आप सभी अपने सुझाव लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं कि आप और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। विशेषज्ञों की दोस्तों माने तो निपाह वायरस मुख्यतः चमगादड़ से फैलता है। ऐसे चमगादड़ को फ्रूट बैट कहा जाता है जो फल खाते हैं और अपनी लार को फल पर छोड़ देते हैं। ऐसे फल को खाने वाले जानवर या फिर इंसान निपाह वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। तो निपाह वायरस का इतिहास क्या है? रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार मलेशिया के कंपज सुंगाई निपाह गांव में इस वायरस का सबसे पहले पता चला था। इस गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। इस वायरस से सबसे अधिक दिमाग को नुकसान पहुंचता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उस वक्त यह सुअर से इंसानों में फैलता था। इसके बाद सिंगापुर में निपाह का मामला सामने आया था। वहीं 2001 में भारत और 2004 में बांग्लादेश के कुछ लोग संक्रमित इससे हो गए थे। निपाह वायरस के लक्षण क्या हैं? तो बहुत तेज बुखार आने लगता है, सिर दर्द की शिकायत होती है, उल्टी और बेहोशी तक आने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। निपाह वायरस से आखिर बचें कैसे जब ये समस्या है? तो साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें। खाना खाने से पहले और खाने के बाद अपने हाथों को जरूर धोएं। दूषित चीजों को खाने से हमेशा बचें, खास करके दूषित खजूर को कभी भी मत खाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। खजूर फायदेमंद है, सर्दियों का मौसम आ रहा है, खाएंगे फायदेमंद है, लेकिन दूषित हो तो उससे जरूर बचिएगा। पेड़ से गिरे हुए दूषित फलों को बिल्कुल न खाएं, खास करके जो पशु पक्षियों के जूठे हों। संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। सुअर और सुअर पालन करने वाले लोगों के संपर्क में आने से बचिए। जी हाँ, नहीं तो इस वायरस का खतरा रहेगा ही रहेगा। तो इस वायरस से बचने के उपाय आप सभी जान चुके हैं, बस आपको सावधानी रखना है, फिर आप इस वायरस से बचे रह सकते हैं। क्योंकि ये वायरस खाने के बाद ही, यानी कि जूठा फल जब चमगादड़ का खा लेते हैं तभी अक्सर होता है या फिर सुअर से यह फैलता है। उसका अगर जूठा कुछ फल किसी को काट लिया फल को और उस फल को हम सभी खा लेते हैं तो दिक्कत होती है। तो इन बातों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपके मन में कोई सवाल है या किसी मेडिकल इक्विपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी औषधि के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए। हम आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।